हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। इसमें सारे सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं फ्रॉम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो सेक्शंस को कवर करेंगे, बाकी के जो बचे सेक्शंस हैं वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाले चैप्टर में सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 65 तक जो मेन है वो यही है। सेक्शन 64 इसमें हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सेक्शन 65 तक हमें सारा कुछ पढ़ना है एक्सक्लूडिंग सेक्शन 64। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 61 एक ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इस सेक्शन 61 जो है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो कैसे प्रूफ किए जाएंगे, वो सेक्शन 61 में बताया है। तो वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किए जाएंगे और सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ किए जाएंगे। प्राइमरी एविडेंस क्या है वो सेक्शन 62 में बताया गया है और सेकेंडरी एविडेंस क्या है वो सेक्शन 63 में बताया गया है। देन सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, जो कि मैंने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बस हमें इतना समझना है कि जो डॉक्यूमेंट प्रूफ किया जाएगा वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की बात की जा रही है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने की बात नहीं कर रहा है सेक्शन 64। डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो कैसे प्रूव होना है वो सेक्शन 61 में बताया है। लेकिन अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो वो सेक्शन 64 में बताया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव होगा। नाउ सेक्शन 65 बताता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। इस सेक्शन में कुछ केसेस बताए हुए हैं जहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। देखो, हमने पहले भी ये चीज़ नोटिस की है एविडेंस एक्ट में कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस होता है और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस होता है। नाउ सेक्शन 61 सेज प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, यानी कि कंटेंट का मतलब ये है डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ मेंशन है विल बी प्रूव्ड ईदर बाय गिविंग प्राइमरी एविडेंस। उसको अगर हमें प्रूव करना है तो वो या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होगा, जो कि सेक्शन 62 में बताया गया है, या फिर सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव होगा, जो कि सेक्शन 63 में बताया गया है। अब सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? सो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि खुद पेश किया गया हो कोर्ट में उसको इंस्पेक्शन करने के लिए। इट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। प्राइमरी एविडेंस हम उसी को कहेंगे कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया। इट इज़ द बेस्ट एविडेंस टू प्रूव कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही बेस्ट एविडेंस माना जाता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब अगर हम सेक्शन 62 का एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे तो उसमें लिखा है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। जब किसी एक डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो उसका हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होता है उस डॉक्यूमेंट का। यही आपका बेरक में भी लिखा है। अगर हम बेरक की लैंग्वेज में पढ़ें तो वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जो उसका पार्ट है, ईच पार्ट उसका प्राइमरी एविडेंस होगा उस डॉक्यूमेंट का। अब अगर काउंटर पार्ट में है, अगर डॉक्यूमेंट को काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है तो ईच काउंटर पार्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। सो इफ़ ईच डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ओनली वन पार्टी, अगर जो हर डॉक्यूमेंट है वो साइन किया गया है सिर्फ एक पार्टी की तरफ से और वो डॉक्यूमेंट जो है डिलीवर कर दिया गया है दूसरी पार्टी को, एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट साइन किया और वो डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया दूसरी पार्टी को, तो जिस पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया है उसके अगेंस्ट वो एक प्राइमरी एविडेंस होगा। जिस पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया है, उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस होगा। और जिस पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है उस पार्टी के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ये तो हुआ हमारा पहला एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से वो हुए हैं, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस, तो वो सारे ही एक प्राइमरी एविडेंस होंगे। व्हेन ईच सच कॉपी ऑफ ओरिजिनल इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। क्या देखा हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 2 में कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे वो प्रिंटिंग हो सकता है, ये प्रोसेस बता रहे हैं हम, प्रिंटिंग हो सकता है, लिथोग्राफी हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, तो ये सारा ही एक प्राइमरी एविडेंस होगा।
ठीक है उन कंटेंट्स का, लेकिन बट वेयर दे आर वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, लेकिन वो जो ओरिजिनल की अगर सब कॉपीज हैं तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे, बाकी के सेक्शंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।